तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे फॉलो का बटन लगा सकते हैं ताकि लोग आपको ऐड करने के बजाय फॉलो करें। आप यहां पे देख सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड का बटन लगा है। अगर आप इसको हटाकर इसके जगह पे फॉलो का बटन लगाना चाहते हैं तो आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों आपने बहुत सारे फेसबुक यूजर्स को देखा होगा, उनके फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड का बटन नहीं होता है बल्कि इसके जगह पे फॉलो का बटन होता है। तो आप भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड बटन को हटाकर इसके जगह पे फॉलो का बटन लगा सकते हैं। फिर कोई भी फेसबुक यूजर फॉलो बटन पे क्लिक करके आपको आसानी से फॉलो कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों अपने फेसबुक प्रोफाइल पे फॉलो का बटन लगाने के लिए आपको फेसबुक के अंदर दो छोटे छोटे सेटिंग कर लेने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में तीन माइनस पे क्लिक करके अपने फेसबुक प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे कौन सा बटन लगा है, ऐड फ्रेंड का बटन लगा है या फिर फॉलो का बटन लगा है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फेसबुक प्रोफाइल दूसरे के प्रोफाइल से कैसा दिखता है तो उसके लिए आपको यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एज, आपको यहाँ व्यू एज पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड फ्रेंड का बटन लगा है। अब मैं इस ऐड फ्रेंड के बटन को हटाकर इसके जगह पे आपको फॉलो का बटन लगाकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ ऊपर तीन माइनस पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये सेटिंग्स का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाना है, आपको यहाँ ऑडियंस एंड विजिबिलिटी सेक्शन में आ जाना है। इसके अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगा फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए ऊपर ही लिखा है हु कैन फॉलो मी, और पहले से यहाँ सिलेक्ट होगा फ्रेंड्स, इसे आपको चेंज करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है पब्लिक। ये हुआ दोस्तों पहला सेटिंग। अब आपको बैक आना है, यहीं पे आपको दूसरी सेटिंग भी मिल जाएगी हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस पेज पे पहले से सिलेक्ट होगा एवरीवन, इसे आपको चेंज करना है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ये सेटिंग हो गया। बस यही दो सेटिंग आपको फेसबुक के अंदर करने हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बैक आ गया। अब मैं फिर से अपने फेसबुक प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तीन डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने व्यू एज पे क्लिक किया। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉलो का बटन आ चुका है। अब कोई भी फेसबुक यूजर फॉलो बटन पे क्लिक करके आपको आसानी से फॉलो कर सकता है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे फॉलो का बटन लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।